तो दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का दोस्तों पूरा रिव्यू बताने वाला हूं। और टीम इंडिया ने इसी साथ ये मुकाबला जीत लिया 137 रन से और साथ में एक पारी से। दोस्तों पूरे डिटेल के साथ मैं रिव्यू करने वाला हूं जो कि चौथे दिन का मुकाबला खेला गया था। और ये जानिए कि कौन सा खिलाड़ी कितना विकेट लिया है और कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच। तो दोस्तों पूरे डिटेल के साथ जानिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें आखिरी सेशन में क्या हुआ था। तो फिरंगा जहां 37 रन बना के आउट हो गए, महाराज 22 रन बना के कोहली लौट गए, और जहां पे रबाया ने 4 रन बनाए तो और नॉर्थिया 0, और साउथ अफ्रीका का स्कोर था 189 पे ऑल आउट। अब दोस्तों हम बताने जाए इसके बाद क्या हुआ है। तो जहां पे बॉलिंग एक बार लाइनअप देख लें भारतीय टीम की, तो भारतीय बॉलिंग लाइनअप में जहां ईशान शर्मा ने 1 विकेट लिया तो वही उमेश यादव ने 3, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट चटकाया, रविचंद्रन अश्विन ने 2 और जडेजा ने 3 विकेट। यानी पूरे टीम को सभी खिलाड़ियों को विकेट मिला है, बॉलर्स में पाँचों प्राइम बॉलर्स को विकेट मिला है। और दोस्तों हम बताएं कौन रहा है मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने शानदार दोहरा शतक जड़ा था इसलिए उन्हें मिला है मैन ऑफ द मैच का खिताब। और इसी के साथ भारतीय टीम ने ये मुकाबला पारी और 137 रन से जीत लिया है। और इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज पे कब्जा कर लिया है। अब आगे आने वाला जो मुकाबला रहेगा उसमें भारतीय टीम या फिर हो सकता है कोई फेर बदल करते हुए अपनी टीम में नजर आएगी। कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है क्योंकि भारतीय टीम ने तो सीरीज जीत लिया है, अब वो अपने बेंच मार्क पे भी बैठाए हुए खिलाड़ियों को आजमाएंगे जरूर। तो दोस्तों अगला मुकाबले के लिए मैं आपको वैसे ही रिव्यू बताता रहूंगा। तो दोस्तों अभी तक का ये खबर है कि भारतीय टीम ने ये मुकाबला और सीरीज दोनों जीत लिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप बताइए कि इस मैच में कौन सा प्लेयर अच्छा आपके लिए लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं।